खबर पौड़ी से है, जहां महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला कैदियों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान जेल की व्यवस्था का भी जायजा लिया। कुसुम कंडवाल ने बताया कि महिला कैदियों ने बताया कि जेल में उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं हो रही है। महिला आयोग की अध्यक्ष ने वन स्टॉप सेंटर का भी निरीक्षण किया। कुसुम कंडवाल ने बताया कि राज्य महिला आयोग ने महिला नीति तैयार कर ली है। महिला नीति महिलाओं के सभी हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अब जल्द ही इस नीति को कैबिनेट में लाया जाएगा, ताकि उत्तराखंड में भी इस नीति को लागू किया जा सके। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। जेल में जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को कि वास्तव में जो हमारी कैदी महिलाएं हैं उनके लिए जो सरकार की योजनाएं हैं या उन तक पहुंच पा रही है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है या उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सारी चीजें आज मैं उनके बीच में गई, उनसे बातचीत की मैंने, तो उनसे बहुत सारी चीजें उन्हें ठीक ही लगा, कह रहे हैं बहुत सब कुछ सारी सुविधाएं हैं। और क्योंकि मेरा पूरे प्रदेश में भ्रमण होता है, मैं समय समय पर जेलों का विजिट करती हूँ कि महिलाओं को कहीं किसी तरह से अगर आयोग की आवश्यकता है तो आयोग उनका सहयोग कर सकता है और सरकार की योजना का उन्हें पूरा लाभ मिले, उनके साथ किस तरह का व्यवहार, ये सब चलता है। उसके बाद मैं वन स्टॉप सेंटर पौड़ी में अभी आई हूँ, पूरा मैंने देखा है कि मैं देख रही हूँ कि 1 साल तक के जो यहाँ पे केसेस हैं 400 के लगभग आए हैं, और यहाँ पे कोई भी किसी तरह से पीड़िता अगर आए तो उसके रहने की पूरी व्यवस्था है। वो पूरा जायजा मैंने लिया है कि क्या उनको सुविधाएं मिलती हैं या उनके साथ व्यवहार कैसा होता है, तो ये सारी चीज़ें पूरा अभी जो यहाँ पे जितने भी हैं संबंधित अधिकारी हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही है, और इसके बाद में जिला अधिकारी उनसे भी मिलूंगी।